रविंदर जी, मेरा नाम अमरजीत सिंह है। मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में टीचर हूँ, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। और आपका स्वागत इस काम में कि गुजरों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आपने जिस अभियान का शुरुआत किया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। धन्यवाद। हमारा जो गांव रहा है ऐतिहासिक रूप से बहुत समृद्धशाली गाँव रहा है, ऐतिहासिक रूप से इस मामले में कि यहाँ पर जमींदारा रहा है जी, सबसे पहली बात तो ये। और वो जमींदार ही अंग्रेज यहाँ पे आते थे और यहीं पर रुकते थे, और जो राजस्व वसूली का काम था वही ये जमींदार ही देखते थे यहाँ पे। मेरा गांव एक और विशेषता है इसकी, तीन तरफ से नदी से घिरा हुआ है। मतलब विश्व के मानचित्र पे जो स्थिति लागोस की है, तीन तरफ से स्थल अवरुद्ध, वही मेरे गांव की स्थिति। अच्छा, है अच्छा। और यहाँ पे कोई संपर्क मार्ग भी नहीं था। 77 में जनता पार्टी की सरकार आई तब एक संपर्क मार्ग फर्रुखनगर से सरोरा के लिए बना, और अभी ये जो अब की सरकार चल रही है जी, आइडियोलॉजिकल रूप से हम विचारधारा से असहमत हो सकते हैं जी, लेकिन जितना काम इस सरकार ने इस गांव के लिए किया है। अच्छा। आप एक ये अभी आप पीछे से आएंगे, 25 करोड़ रुपए की लागत से लगभग पुल बन के तैयार है, उत्तर दिशा में जाएंगे 25 करोड़ की लागत से लगभग कम्प्लीट होगा, कहीं ना कहीं इस गाँव की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। कनेक्टिविटी हमारे जनपद मुख्यालय से हमको जोड़ दिया गया है, अब मेरे गांव की बच्चियां किसी की मोहताज नहीं रहेंगी, 15 मिनट में कॉलेज जाएंगी, एडमिशन लेंगी, अच्छी शिक्षा लेंगी, और आने वाले वर्षों में उम्मीद करेंगे जब दोबारा आपके यहाँ पे कभी विजिट होगी तो आप एक अच्छा खासा डाटा लेकर के यहाँ से जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो और सरकार और ज़्यादा इस गांव पे ध्यान दे, क्योंकि हमने काफ़ी आज गांव को ढूंढा, देखा, समझा, सब चीज़ों के तो कुछ ये कमियाँ अधिकतर सबने हमें बताई है कि ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ पानी की समस्या को लेकर बड़े परेशान हैं गाँव के लोग। पानी के तो आप देखो कि ये जब से थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ है, ये हमारी जो हिंडन नदी है जिसके किनारे पर हम बसे हुए हैं, जिस तरह से औद्योगिकरण के कारण सारा गंदा पानी इसमें डाला जाता है, तो यहाँ तक आते आते ये पानी इस लायक नहीं रह गया कि इसमें हम। लेकिन सरकार ने जो नमामि गंगे शुरू कर रखी तो उसका कुछ फायदा मिला है नहीं, आज भी ऐसी चीज़ है? नमामि गंगे केवल कागजों में चल रही है अभी, कुछ नहीं। मैं अपने काम की बात करूँ, नमामि गंगे योजना का हिंडन नदी को कोई लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं। मुझे मालूम भी नहीं कि हिंडन नदी भी उससे जोड़ रखी है कि नहीं जोड़ रखी है। जी जी जी, तो ये कुछ कमियां हैं जो अभी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पानी के लिए तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे, अदरवाइज जहाँ जहाँ पे ये इस तरह की समस्या आ रही है वहाँ पे कैंसर जैसी समस्या, भयंकर समस्या पड़ना पड़ी। बिल्कुल, इंडस्ट्रियल अगर पानी रुकेगा और वो यूज होगा तो बिल्कुल समस्या बहुत रूप से आगे आएगी। बिल्कुल, इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से अभी उसका सुधार। तो और कुछ आपके गाँव के बारे में विशेष अगर आप हमें बताना चाहें, हमारे भारत के गुर्जर चैनल के द्वारा आपकी कोई राय, जो देश के गुजर भाई बैठे हैं, मतलब थोड़ा समाज के लिए कुछ करना चाहता हो कोई, तो उसके लिए क्या आपकी राय है? मैं तो बीइंग टीचर यही कहूँगा कि जितने भी हमारे ये यंग यूथ है, इनके लिए कोचिंग सेंटर अच्छे अच्छे बनाए जाएं, चाहे जैसे एक लाइब्रेरी की स्कीम हमारे हर गाँव के अंदर प्रारंभ हुई है, तो यदि सरकारी ज़मीन मिलती है तो वहाँ पर लाइब्रेरी बनाई जाएँ और बच्चे वहाँ पे बैठ करके तैयारी करें। जब हम भी तैयारी करते थे, हमने भी हरदयाल लाइब्रेरी की दिल्ली में मेंबरशिप ली थी, हम 10-12 लड़कों का बैच चला था दादरी से, और आज सारे के सारे बच्चे सरकारी सेवाओं में, तो ये बच्चे भी लाभान्वित होंगे जी। तो एक तो ये है कि लाइब्रेरी जो वो है हर गाँव के अंदर होनी चाहिए जी जी। और दूसरे हम जैसे लोगों का भी ये दायित्व तो बनता है कि जितना हम योगदान दे सकते हो इन बच्चों को आगे कैरियर सही दिशा में के लिए, सही दिशा में ले जाने के लिए उतना हम योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि जो हमारे बिराजदी के लोग हैं, गुर्जर समाज है, क्या इस तरह से एक बार एक पद पे जाने के बाद ध्यान रखता है अपना समाज के जो दूसरे लोग हैं? यदि वास्तविकता से हम पूछे तो ये नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, क्योंकि यदि मैं ही कल रिटायर होकर के आऊँगा 4-6 साल बाद सरकारी, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि शहर में अपनी कोठी बना लूँ। बिल्कुल, तो वो यूथ जो हमारे भाई बैठे हैं जा करके, वो अपना प्रेरणा कहाँ से लेंगे? यदि मैं आकर के शहर में अपने गांव में अपनी कोठी बनाता हूँ, कोई पूछेगा भी किसका है, मास्टर जी का मकान है, मास्टर जी क्या करते थे दिल्ली के अंदर, लेक्चरर रिटायर हुए थे, तो शायद वो प्रेरणा लेंगे कि हमको भी पढ़ना चाहिए और हमको भी अच्छे पद पर जाना चाहिए। बिल्कुल, तो प्रेरणा स्रोत के रूप में रिटायरमेंट के बाद में या अपने जीवन काल में यहाँ पे अपने लोगों के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जड़ है, जो पेड़ अपनी जड़ों से कट जाता है वो सूख जाता है। बिल्कुल, जड़ से तो अलग होना ही, जड़ से अलग होना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी यही है कि मैं रिटायरमेंट के बाद में यहीं पर रहूँगा, जब भी आप आएंगे मैं आपको यहीं पर मिलूँ। जरूर, हमारी ऐसी हम भी कोशिश करेंगे फिर जब आए तो इस गाँव में हमें कुछ अलग मिले, अलग मिलेगा। बिल्कुल, हमारी बहुत सारी चल रहा है उसके अंदर। इसमें देखो, आप लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि युवा तो कहीं इधर उधर हो भी जाएगा, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो सब चीज़ें उनके काम आने वाला है। काम आए, क्योंकि तो हमारे जाने के बाद में साथ ही चला जाएगा, फिर उसका कोई बिल्कुल बिल्कुल कोई लाभ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, जितना लाभ इस यूथ पीढ़ी के लिए हो सके हम तो यही चाहेंगे जी।